Hey guys, welcome back to the new video. My name is Manish and I hope you all are doing absolutely fine. So, आज है मेरे कॉलेज का alumni day. तो मैं जाने वाला हूँ अपने कॉलेज. मेरे कॉलेज है Delhi School of Management, Delhi Technological University. तो ये DTU, आपने नाम सुना ही होगा कॉलेज का. तो आज alumni day है, तो पहली बार मैं अपने कॉलेज के alumni day में जाने वाला हूँ, क्योंकि इससे पहले कभी टाइम ही नहीं लगा जाने का. तो मैं आप लोगों को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ DTU, और दिखाना चाहता हूँ कि उसका alumni day कैसे होता है. तो चलिए मेरे साथ. तो पहले हम लोगों ने सोचा कि कैसे जाना चाहिए हम लोगों को कॉलेज. तो एक दो दोस्त और आ रहे हैं, बाकियों से पूछा तो किसी के पास टाइम नहीं था, क्योंकि आज है 23rd of December और मोस्टली लोग इस टाइम प्रेफर करते हैं बाहर जाने का. तो मैं तो कल दिल्ली से जा रहा हूँ, तो आज मेरे पास टाइम था. तो हम दो दोस्त जाने वाले हैं, तो पहले हमने सोचा गाड़ी से चलते हैं, पर नहीं, हमने सोचा कॉलेज जा रहे हैं. तो जैसे हम अपने कॉलेज जाते थे मेट्रो में, देन ई रिक्शा लेके, तो हम वैसे ही जाएंगे ताकि पुरानी यादें ताज़ा हो पाएँ. क्योंकि मेट्रो स्टेशन में हम पढ़ते पढ़ते जाते थे, ई रिक्शा में नोट्स एक्सचेंज करते करते जाते थे. तो आप लोग को पूरा आज मैं अपना कॉलेज रिविजिट करने वाला हूँ आपके साथ, अपने कॉलेज के जो पुराने दिन थे. तो मज़ा आने वाला है इस वीडियो में. और पहले ही मैं बता दूं कि हम लोग वैसे ही लेट हो गए हैं, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 10:45, और एलुमनाई डे स्टार्ट होना था 11 बजे से. तो अभी जस्ट 5 मिनट में मैं निकलने वाला हूँ अपने घर से, क्योंकि दोस्त ने बोला कि वो कॉल करेगा, उसके बाद ही निकलियो एज़ यूजुअल. तो स्टार्टिंग का तो मिस हो जाएगा. और आज मैं अगर DTU जा रहा हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि DTU की और भी वीडियोस बनाऊँ, जैसे कि कैंपस टूर, जो मेरा फैकल्टी थी, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, दिल्ली स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, तो उसकी पूरी एक वीडियो बनाऊँ. और एलुमनाई की तो बनाऊँगा एक ही, क्या क्या एक्टिविटीज़ प्लान है हम लोगों के लिए. तो चलो भाई, घर से निकल गए, अब ई रिक्शा पकड़ने के लिए चलते हैं. तो भाई प्लान ऐसा है कि अभी हमें जाना है कश्मीरी गेट मेट्रो, और कश्मीरी गेट मेट्रो से हमें लेनी है अंडरग्राउंड मेट्रो जो बादली जाएगी, और उसी अंडरग्राउंड मेट्रो के प्लेटफॉर्म में मुझे मेरा दोस्त मिलने वाला है. तो चलते हैं साथ में कॉलेज, और होप करता हूँ कि इस वीडियो के साथ आप भी अपना कॉलेज जो डेज हैं वो रिलीव कर पाएंगे मेरे साथ. तो अभी हम लोग मेट्रो इंटरचेंज कर रहे हैं, तो रेड लाइन से अब ब्लू येलो लाइन जा रहे हैं, ठीक है. तो ये बीच का कुछ रास्ता है, जिसने दिल्ली मेट्रो नहीं देखी हो देख लो भाई. तो भाई अब मैं लवेश को कहाँ ढूंढूँ, उसको कॉल करता हूँ. तो भाई फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं जो हमारा, और सबसे पहले मैं लवेश से मिला दूँ. अगर जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं मेरी वीडियोस को, तो जो मैंने DTU की वीडियो बनाई थी, तो भाई ने बहुत कह डाया था. हाँ भाई लवेश, कुछ बोलना चाहेगा? हाँ भाई, यहाँ आए हैं हम तो 2.5 साल पहले आए थे, पता नहीं रेलवे स्टेशन बन गया यहाँ तो. हाँ यहाँ पे बहुत चेंजेस आ गए हैं ना यहाँ पे कॉलेज के टाइम से. चलो भाई चलते हैं कॉलेज. अभी वैसे 11 से स्टार्ट होना था, पर जो ग्रुप बना रखा है व्हाट्सएप, उसमें आया कि भाई जल्दी आओ, फैकल्टी वेट कर रही है सबका. तो लगता है कोई भी नहीं आया, खाली पड़ा होगा, और मुझे लगता है कहीं हम दोनों ही ना गए हों बस. तो भाई फाइनली हम लोग पहुंच गए अपने कॉलेज. देखो भाई DTU, जहाँ पे लोग आने के लिए कितना तरसते हैं, वहीं पर हम लोग पढ़ के निकले हैं. चलो, होम कमिंग का भी लगा हुआ है, तो ये अपने कॉलेज का ही लगा हुआ है, अपने ही डिपार्टमेंट का. तो भाई आते ही अपनी असलियत पता चल गई. आते ही गार्ड भैया ने डांट दिया कि सालों गलत साइड से आ रहे हो, उस साइड से जाओ. तो बताया कि एलुमनाई मीट में जा रहे हैं, तो फिर बोला जाओ जाओ. तो मैंने थोड़ा व्यू शिफ्ट किया, तो अपना जो कॉलेज था ना, वो अगर आपको वाइट बिल्डिंग दिख रही है, तो अपना जो मैनेजमेंट स्टडीज़ का जो था डिपार्टमेंट, वो यहीं पे था. तो हम लोगों को ज़्यादा कैंपस में घूमने का, इधर ही है क्या, यहीं शेरू? अच्छा शेरू, तो अभी तक इधर है, लगता है इसकी भाई बैक लगी होगी. चल चल आ जाए यार, पहले कॉलेज के दर्शन करते हैं. तो सबसे पहले पता है ना कॉलेज की हमें कौन सी जगह जाना है?
बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह, बहुत ही हम सारे डिसीजन लेते हैं। हमें उस जगह जाना है जहाँ पे हमने मतलब हर लेक्चर से पहले स्ट्रेटेजी बनाई है, हर पेपर से पहले स्ट्रेटेजी बनाई है, पीपीटी से पहले उधर गए, हर पीपीटी से पहले वहाँ पे आशीर्वाद लेने गए हैं, अपना जो टेंशन है वो दूर करने गए हैं। हम लोग जा रहे हैं भाई कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं अपने टॉयलेट वॉशरूम जा रहे हैं, क्योंकि कॉलेज आए और वॉशरूम के दर्शन न किए तो भाई वो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो चलो चलते हैं भाई अपने कॉलेज का कुछ एंट्री गेट, दिल्ली स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। चल चले, चलो देखते हैं, चल आजा। कैसे चलते हैं? बीआर अंबेडकर रोड। नहीं, बीआर से पहले अपना कॉलेज देखते हैं। कॉलेज हाँ, तो भाई अपने कॉलेज की सबसे खास बात ये थी कि एक फ्लोर का कॉलेज था पर यहाँ पे लिफ्ट थी, तो लिफ्ट एक स्पेशल एक फैकल्टी थी, वो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड थे, ओल्ड हैं अभी भी, अभी भी हैं, हैं अभी भी, ऐसे मत बोलो तो चलो लिफ्ट से चलते हैं। ये हमारा वो रिचुअल होता था कि हम लोग लिफ्ट से जाते थे। यहाँ पे वाटर कूलर, और भाई वाटर कूलर भी ढक दिया भाई, वाटर कूलर भी अलीबाबा और 40 करोड़ का खजाना है, बंद कर दिया भाई, बंद कर दिया। बता कितना पैसा है भाई सरकार के पास। चल चल, लिफ्ट भी आ गई, लिफ्ट भी आ गई, लिफ्ट भी आ गई, लिफ्ट में चलते हैं, लिफ्ट में चलते हैं। ये देख सकते हैं आप, जीरो 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 और वन भाई, कितना अच्छा लग रहा है अपने कॉलेज आके दोबारा से, मतलब पुरानी यादें आ रही है ना यहाँ पे। यहाँ पे पारस, आद्यांत, पाजी दोनों स्वाति और हम दोनों यहाँ खड़े रहते थे, लेक्चर से पहले जाते थे भाई साहब। और ये था अपना कॉरिडोर, ये खत्म हो, खत्म हो गया। हमारे दोस्त पारस और सत्यवा बैठते थे। हाँ, ये वो एरिया है। अरे धीरज सर को भी कैबिन मिल गया भाई। अरे वाह, ये कब हुआ? ये अपना वॉशरूम था भाई, भैया हम उतरे, ये सौरभ सर थे, ये हमें, हाँ वो अपनी क्लासरूम होती थी। पीके सूरी सर का तो यही था ना, ये पीके सूरी सर का था, वो अपना क्लासरूम में तो ताले लगे होंगे ना, पर ये लोग कराएंगे भाई विजिट। ये अपनी क्लासरूम थी, पता नहीं यार दिख रहा है। अच्छा अच्छा, चाबी उनके पास है, चल आज अब पूछते हैं भाई। ये एचआर रूम था भाई, यहाँ पे लेक्चर हॉल, ये एचआर के अलावा सब थे। सही है, ये लिफ्ट से आते थे हम लोग और यहाँ से जाते थे। ये यहाँ पे कॉलेज के वो लिखे होते थे, मिशन विजन स्ट्रेटजी, जो किसी ने नहीं पढ़े, किसी ने नहीं पढ़े, पर कॉलेज अच्छा था भाई। मतलब दो हमने ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया क्योंकि कोविड आ गया था, हम लोग खाली दो ही सेमेस्टर आए थे, पर यादें बहुत जुड़ गई हैं इस कॉलेज से ना। मेमोरीज इतनी बना दी, मेमोरीज तो हैं भाई। और भाई ये अपने सुपर जूनियर, क्या बोलूँ भाई, चल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ भाई, क्या बैच? बैच 2022-24। तो आज एलुमनाई कमेटी में हो गया तुम लोग? हम ERC में करा रहे हैं, एलुमनाई कमेटी में। अच्छा, तो क्या क्या है आज का, मतलब आइटनरी क्या है आज, क्या होगा आज? बेसिकली जो हमारे, हमने 2009 से लेकर 2013 तक के एलुमनाई बुलाए हैं, तो हम उनको सम्मान देंगे और उनके जो उनके लेक्चर्स होंगे और कुछ, और सारी म्यूजिक परफॉर्मेंस है। खाना पीना अच्छा है? खाना पीना भी बहुत अच्छा है ना, मतलब अच्छा हो तो फिर मैं हर साल आऊंगा, ठीक है? मतलब बिल्कुल ठीक है। और क्या, खाने की जिंदगी मेरे पास है, आप टेंशन मत लीजिए। अब तो तुमसे दोस्ती भी हो गई, चैनल भी सब्सक्राइब करा लिया मैंने जबरदस्ती, एक इनसे भी करा लिया। हेलो, हाय, अपने बारे में बताओ भाई कुछ, क्या हो? हाय गाइस, आई एम सोनाली एंड मैं अभी करंट बैच में हूं 2022-24 में, and I'm enjoying my life here at DSS. Placement committee में तो नहीं हो ना? नहीं, मुझे बहुत नफरत है, मुझे बहुत नफरत है placement वाला। पसंद नहीं है। चलो मैं वाली फ्लोर दिखाता हूँ, ओए आजा। अब मैं जा रहा हूँ दूसरे फ्लोर में, ये रहा एलुमनाई DSM, यहाँ पे हम लोगों का जो ओरिएंटेशन होता है ना वो यहाँ पे हुई थी, तो यहाँ पे मुझे जो मेरी दोस्त बनी थी यहाँ पे स्वाति, वो मिली थी और उसने मतलब फ्रेंडशिप यहीं से स्टार्ट हुई थी मेरी, लवेश, स्वाति, पारस, हम सब लोग की। तो ये एडमिशन ब्लॉक रहता था, यहाँ पे हम लोग अपना सब कुछ सबमिट करते थे। और ये था भाई, ये है कुछ अपना, इस वाले में हम लोग का वो हुआ था, क्या बोलते हैं, ओरिएंटेशन ही बोलते हैं ना पहले दिन को, लेक्चर हॉल वन को। ये था भाई,
तो जब हम लोग यहाँ पे थे तो अपने जो HOD थे वो राजन यादव थे, प्रोफेसर राजन यादव। फिर जब हम निकलने वाले थे तो अर्चना सिंह, जो डॉक्टर अर्चना सिंह है, हमें फाइनेंस पढ़ाती थी ना, फाइनेंस पढ़ाती थी, वो बन गई थी यहाँ की HOD। DSM ऑफिस ये यहाँ डेटा रिसर्च लैब है और वो लेक्चर हॉल 2 है। ये था कुछ कॉलेज। अब आपको 360 डिग्री व्यू दे देता हूँ भाई कॉलेज का, वो नीचे वो जो है ना वहाँ पे जाके। चलो भाई एक 360 डिग्री व्यू आपको दे देता हूँ कॉलेज का कि क्या था अपना कॉलेज। तो ये था, यहाँ पे MBA और PhD होती है। तो अच्छा खासा कैंपस था, मतलब सबसे ज़्यादा जो न्यू डिपार्टमेंट बना था वो अपना ही था बिल्डिंग के हिसाब से भी और सब कुछ। तो भाई एक बात, एक चीज़ मेरे को अभी तक भी समझ नहीं आई कि ये साला ये है क्या, मतलब ये ना लवेश ये क्या है, ये मतलब ये मशाल है या क्या है, मतलब कुछ समझ नहीं आता ना जब से हमने ज्वाइन किया था। ये एक्चुअली आज़ादी से पहले का बना हुआ है, सो आज़ादी के टाइम पे यहाँ अंग्रेज आए थे। नहीं मतलब ऐसा होता था ना कि जब किसी पे गुस्सा आता तो कहते थे भाई इसके ऊपर बैठ जा भाई अब अपना वो स्ट्रगल स्टार्ट होने वाला है कि मतलब हमें इतना चल के जाना पड़ेगा BR ऑडिटोरियम के लिए। तो तेरे को याद है लवेश अपना जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो काउंसलिंग हुई थी वो BR जो अम्बेडकर ऑडिटोरियम है वहीं पे हुई थी। हाँ वहीं पे गए थे हम सबसे पहले। हमने अपनी जर्नी वहीं से स्टार्ट करी थी एक्चुअली, BR ऑडिटोरियम से जहाँ पे हम सब लोग पहली बार मिले थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आए थे। सो अब देखते हैं अलमनाई मीट के लिए भी हम वहीं जा रहे हैं, क्या होता है। और आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ कि जो मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया था वो DTU से ही स्टार्ट किया था मैंने, क्योंकि हमारा एक सब्जेक्ट था एंटरप्रेन्योरशिप करके, तो वहाँ पे बोला था अपना को स्टार्टअप स्टार्ट करो। तो मैंने सोचा अपना YouTube चैनल ही खोल लेता हूँ। तो वो बात है 2020 एंड की और अब है 2023। तो धीरे धीरे प्रोग्रेस हुई है, सब्सक्राइबर्स भी बढ़े हैं, व्यूइंग आवर्स भी बढ़े हैं, चैनल मोनेटाइज भी हुआ है, वो सब आपके लिए थैंक यू बोलना चाहूँगा। तो अभी तो मैं आपको कैंपस नहीं दिखा रहा क्योंकि कैंपस की मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूँ। अभी आपको डायरेक्टली मिलता हूँ मैं BR अम्बेडकर ऑडिटोरियम में। एल्यूमिनाई का ऐसा सीन है अभी कि हम लोगों ने लंच तो कर लिया है, तो अब मैं सोच रहा हूँ मैं घर जाऊँ या मतलब मैं थोड़ा और यहाँ पे देख के थोड़ा और टाइम स्पेंड करूँ यहाँ पे। तो देखता हूँ आधा एक घंटा और रुक जाता हूँ, फिर मैं सोच रहा हूँ घर ही चला जाऊँ।